महंगाई का जिन बेकाबू, चक्की का आटा भी महंगा हो गया। आटा चक्की ओनर एसोसिएशन ने आटे के दाम 3 रुपए किलो बढ़ा दिए। फी किलो कीमत 85 रुपए किलो से बढ़कर 88 रुपए किलो हो गई। गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत आसमान से बातें करने लगी। नान पाइयों ने भी कमर कस ली। रोटी 12 रुपए, नान 18 रुपए करने का फैसला। आटे का थैला 860 से बढ़कर 1100 का हो गया। आटे की बोरी 4800 से 6000 रुपए पर पहुंच गई। सस्ती रोटी कैसे बेचें? एसोसिएशन ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। आइंदा के लाहे मल का ऐलान किया जाएगा। महंगाई की यलकार, हुकूमत ने सरेंडर कर दिया। महंगाई तो कम ना हुई, अलबत्ता सरकारी नेटनामा बदलना पड़ गया। नई रेट लिस्ट में दालें, दूध, दही और गोश्त सब महंगे। कीमतों में 10 से 150 रुपए तक का होश रुपए इजाफा। चावल 15 रुपए इजाफे से 130 के किलो। दाल चना 10 रुपए, दाल मसूर 15 रुपए और दाल माख 20 रुपए किलो महंगी। दूध की फी किलो कीमत 115, दही का नया नेटनामा 135 रुपए किलो कर दिया गया। बीफ 100 रुपए इजाफे से 600 रुपए किलो हो गया। मटन के दाम 950 से बढ़ाकर 1100 पर पहुंचा दिए गए। बाकू के शहर की फजा आज भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 रिकॉर्ड। टाउनशिप में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172, नेशनल हॉकी स्टेडियम में 324, टाउन हॉल के इलाके में 177 रिकॉर्ड। लेक सिटी में बजरिया मोबाइल बैंक 308 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। पहले एम टैग लगवाएं, फिर मोटरवे पर आएं, वरना दाखिला बंद। रावी टोल प्लाजे पर एम टैग के लिए गाड़ियों की कतारें। शहरों की जानिब से ताखीर पर सख्त रद्दअमल। डीआईजी मोटरवे मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, बस शनाख्ती कार्ड दिखाएं, गाड़ी के कागजात पर मुफ्त एम टैग लगवाएं और चले जाएं। वबा के दौर में भी दवा की कमी। जनरल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज ख्वार। अस्पताल से अद्वियात खत्म। दीगर अस्पतालों से मांग तांग कर काम चलाया जाने लगा। इंतजामिया ने लोकल परचेज कमेटी पर पाबंदी लगा रखी है। उधर सर्विसेज अस्पताल की ओपीडी में मरीज पर्ची के लिए ख्वार। 3 में से 2 प्रिंटर खराब। इंतजामिया ने 2 माह बाद ही प्रिंटर ठीक न कराए। पर्ची के लिए लंबी कतारें मामूल बन गई। दातागंज पर फ्लाईओवर की तामीर जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे के लिए गैस बंद करने का फैसला। आज सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक गैस बंद रहेगी। मोहल्ला कुम्हारा मोहल्ला, दीनानाथ, नौलखा बाजार, लंडा बाजार, मैकलो रोड समेत मुलहिका इलाकों के मकीनों को मुतबादल इंतजाम की हिदायत। बेगमपुरा में नई गैस पाइपलाइन बिछ गई मगर गैस न पहुंची। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक चूल्हे नहीं जलते, अहले इलाका बरस पड़े। मक्खनपुरा और घोड़े शाह के इलाकों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। कब तक बाजार की रोटियां खाएं, कब तक सिलेंडर भरवाएं? मुजाहिरीन का बर्तन उठाकर एहतजाज। बिजली के ट्रांसफार्मर या मौत की लटकती तलवार। जे बोल्ट ना ही यू बोल्ट। शहर में नस्ब सैकड़ों ट्रांसफार्मर्स की तनसीब में एसओपीज नजरअंदाज। इचरा वाकई के बाद पेश की गई रिपोर्ट में सनसनी खेज इंकशाफात। सर्कल अफसरान को फौरी कोताहियां दूर करने का हुक्म। बाकू के शहर में अंधेरे क्यों? लाहौर के गली मोहल्लों की 1.5 लाख से ज्यादा लाइट्स बंद। अमले के पास गाड़ियां ना ही हिफाजती आलात, सेफ्टी जैकेट है ना ही दस्ताने। इलेक्ट्रीशियन हेलमेट और बेल्ट के बगैर काम करने पर मजबूर। कहते हैं पेट की खातिर जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। अदालती अहकामात नजरअंदाज करने में डीजीएलजीए का पहला नंबर। हाईकोर्ट ने अहमद अजीज तारण के खिलाफ 3 तौहीन अदालत की दरख्वास्तें समाप्त के लिए मुकर्रर। शहरी अमजद एजाज, रफीक और खातून परवीन ने दरख्वास्तें दायर की। डीजीएलजीए के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों की तादाद 57 हो चुकी। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, 1 जनवरी से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का आगाज। हर खानदान को 10 लाख रुपए तक तिबी सहूलत फराहम की जाएगी। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अमजद जावेद कासी, डॉक्टर आसिफ तुफैल, डॉक्टर अली रजाक समेत दीगर की शिरकत।
मर्द अफसरान के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूलों के दरवाजे बंद। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को गर्ल्स स्कूलों की इंस्पेक्शन से रोक दिया गया। सिर्फ खवातीन AEOs ही स्कूलों का दौरा करेंगी। नई भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब। 5 साल का तजुर्बा रखने वाली खवातीन को तरजीह दी जाएगी। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। बरतानिया का कामयाब दौरा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तुर्की पहुंच गए। इस्तंबुल में मुनाकिदा बास्कोरस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चौधरी मोहम्मद सरवर की UNO के साबिक सदर वॉल्कन बास्कर से भी मुलाकात। कॉन्फ्रेंस में 80 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदेगान शरीक हुए। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। सियालकोट वाकई ने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की श्रीलंका के एजाजी कौंसिल जनरल यासिन जोया से गुफ्तगू। कहा श्रीलंकन हुकूमत अवाम और सोबार खानदान से दिली तासीर करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की घुरकी। हाउस आमद अरशद जावेद की वफा पर अहले खाना से तासीर। बच्चों को प्यार किया। समीना खालिद घुरकी, फारूक घुरकी, अबू बकर अरशद, अब्दुल वहाब अरशद, सुफियान खालिद भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन लाहौर से वापस कराची चले गए। अखुवत फाउंडेशन के तहत सिविल सर्विसेज अकेडमी के अफसरान के लिए तरबियती मश्क इख्तिताम पजीर। मोहम्मद शहजाद अरबाज, मोहम्मद रसूल समेत दीगर अफसरान की शिरकत। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के तलबा की शानदार परफॉर्मेंस। डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा, अखुवत 40 लाख खानदानों का सहारा बन चुका है। DRG ऑपरेशन SN यूनिस की यादगारें। शोहदा पर हासी, चाको चौबंद दस्ते की सलामी। पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह ने मेस का अफ्तताह। शहीद अहलकार कैसर की वालिदा ने फीता काटा। SN यूनिस ने कहा, शोहदा हमारा फखर है, उन्हें कभी फरामोश नहीं कर सकते। जेलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश। वज़ीर आला को अफ्तताह के लिए वक्त ना मिला। मुसलसल तीसरी बार अफ्तताह मनसूख। 8 दिसंबर की नई तारीख आ गई। रेस कोर्स में फूल खिले हैं। फितरत की रंगीनियां अरूज पर। गुले दाऊदी की 100 से ज्यादा अकसाम रखी गई हैं।